कैसे करें हरे चारे की संभाल। तो आइए आज हम जानेंगे हरे चारे की संभाल हेतु साइलेज व हे बनाने की विधियों के बारे में। गैर फलीदार चारे जैसे कि मक्की बाजरा जौ को 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई में काट लें। अब इसे एक गड्ढे में डालकर अच्छी तरह दबा दें। एक घन मीटर के गड्ढे में 5 से 6 क्विंटल चारा डालें। गड्ढे को जमीन की ऊंचाई से 1 मीटर ऊपर तक भर लें। याद रखें, चारे को अच्छी तरह से दबाएं, तभी आपको उच्च कोटि का साइलेज मिल पाएगा। अब गड्ढे को पॉलीथीन की शीट से अच्छी तरह ढक दें। इसके बाद मिट्टी का लेप लगाएं। इसका निरीक्षण करते रहे कि शीट को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंची हो और न वो फटी हो। यदि शीट फट गई हो तो तुरंत इसे ढक दें। 40 से 45 दिन बाद आपका साइलेज तैयार। जरूरी बात, जब भी पशुओं को चारा डालना हो तो गड्ढे को एक तरफ से खोलें और फिर शीट से ढक दें। फलीदार हरे चारे जैसे कि बरसिम, गवारा आदि को हे बनाकर संभालें। जब इनके फूल निकल रहे हो तो तब उस अवस्था पर इन्हें 5 से 8 सेंटीमीटर काटें। इसे सुखाने हेतु धूप में बिखेर दें और दिन में 2 से 3 बार पलटें। जब इनमें नमी 10 से 12 प्रतिशत रह जाए तब इन्हें तूड़ी वाले स्थान में संरक्षित करें। अच्छी गुणवत्ता वाला है यह हरा रंग का होता है।